हम आपके लिए ला रहे हैं इंडिया स्पीक्स मासिक पत्रिका। इसमें हम आपको रूबरू कराएंगे बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर, सामाजिक मुद्दों पर हमारी पैनी नजर, अर्थ जगत से जुड़ी ढेरों जानकारियां, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से गुजरात तक, आपके विचारों का आईना। पढ़िए इंडिया स्पीक्स मासिक पत्रिका। इंडिया स्पीक्स आपके सामने प्रस्तुत कर रही है हमारे नए कलाकारों को। इन कलाकारों को प्रस्तुत करने के लिए हमने अपने यहाँ आमंत्रित किया है उज्जवल सक्सेना, जो कि अभी छोटी उम्र में हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग और इंटरव्यू लेने का अंदाज अपने आप निराला है। आइए हम आपको परिचित कराते हैं उज्जवल सक्सेना से, जो कि अभी इंटर के छात्र हैं, और वो रजी अंसारी जो कि बीट बॉक्स आर्टिस्ट हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। आप इन दोनों ही कलाकारों से मिलिए और आनंद उठाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूँ इंडिया स्पीक्स चैनल में। आर्टिस्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन हर आर्टिस्ट का हुनर अलग होता है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, और इन्हें दुनिया बीट बॉक्स किंग या फिर मास्टर ऑफ द वॉइस कहती हैं। रजी अंसारी जी का इंडिया स्पीक्स चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि आपके चैनल ने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिस्ट बहुत होते हैं, उन्हीं आर्टिस्टों में से मैं भी एक हूँ। ईश्वर ने जो भी हुनर दिया है वो सब मालिक की देन है, वरना आर्टिस्ट का क्या, ये ज़िंदगी ईश्वर की है, जब चाहे चली जाए, जब चाहे ईश्वर ले ले। अच्छा रजी अंसारी जी, आप कितने तरह की आवाज़ें या वॉइस निकाल लेते हैं? वैसे तो मैं 450 तरीके की आवाज़ें निकाल सकता हूँ, लेकिन एक मैंने हुनर और भी सीखा है, अपने दर्शकों को बीच में से उठाकर, अगर 5000 की ऑडियंस है या 50000 की ऑडियंस है, उनको बीच में स्टेज के ऊपर बुलाता हूँ और उनमें से दो की आवाज़ की कॉपी करता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया टैलेंट है आपका, तो आप अपना कुछ इसमें नमूना दिखाना चाहेंगे हम सबको? हाँ बिल्कुल, नमूना दिखाना चाहेंगे। और सबसे पहले बच्चे जो कार्टून्स देखते हैं तो वो किस तरीके से कार्टून्स की वॉइस होती हैं, कैसे उसमें डबिंग का काम होता है, एनिमेशन बोलते हैं जैसे, एनिमेशन वॉइस रिकॉर्डिंग देखिएगा। ओहो कितना प्यारा मौसम है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, ये तो एक अजीब बात होगी। ओ बरखुरदार, ऐसा लगता है कि हमको संडे मनाना होगा। ये तुमने बिल्कुल सही किया, चलो संडे मनाते हैं। हाँ चलो संडे मनाते हैं, आज खेलने चलते हैं। ये बिल्कुल सही किया, चलो 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 चलो। ये तो इसके लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है आपका ये सब बताने के लिए। और आपने ये सारी बीट बॉक्सिंग या वैसे भी आपने कहाँ से सीखी है? बीट बॉक्सिंग जो टैलेंट होता है ये गॉड गिफ्ट होता है, और इसको सराहना पड़ता है। अगर आपके पास हुनर है तो उसको ठीक करना पड़ता है, जैसे कि धीरे धीरे। मैं पहले ऐसे ही प्रैक्टिस करता था, तो फिर उसके बाद एक आदत सी बन गई मेरी करने की। जैसे कि ढोलक जो है, ढोलक ये लमसम माली के क्रम से शायद ही कोई प्ले करता हो, क्योंकि बहुत टफ टैलेंट है ढोलक का। इसको भांगड़े का रूप दे दे, हमने ये भी सुना बहुत सारे टीवी चैनल्स और एफएम में भी आ चुके हैं, तो आपको वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? मैं लखनऊ महोत्सव का शो करके आ रहा था, 2016 की मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी रेडियो चैनल्स वाले वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही मैं शो करके निकला तो वहाँ पर उन लोगों ने मुझको पकड़ लिया, बोले कि आपको परफॉर्म करनी है, आपको दिखाना है। और मैंने रेडियो मिर्ची और फीवर जो भी एफएम लखनऊ के हैं, उन लोगों ने मुझे पकड़ा और बहुत अच्छा सम्मानित किया, और अपना सारा टैलेंट वहाँ पर दिखाया। देखिए बच्चे पैड प्ले करते हैं या ड्रम प्ले करते हैं, वो किस तरीके से, Ta-d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 a
और अब आपके लिए आगे के सफर में आपका क्या अगला पड़ाव रहेगा या आपके लिए कौन सा अगला चैलेंज वेट कर रहा है? देखिए, आगे का सफर तो मैं देख के नहीं आया हूँ, लेकिन कोशिश में लगा हूँ, क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब हो जाती है, वादे हमेशा टूट जाते हैं। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि कोशिश कामयाब बने और अपने देश के लिए भी कुछ करूँ। और हमारा अगला पड़ाव जो होगा सीज़न 8 इंडियाज़ गॉट टैलेंट की तरफ होगा। पूरी कोशिश करूँगा वहाँ तक जाने की, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आगे बढ़ूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडिया स्पीक भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लेकर आते हैं, लोगों को दिखाते हैं। मैं इंडिया स्पीक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरी सारी बातें पूछी। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आपके स्टूडियो में आया। और मैं एक टैलेंट पेश करना चाहता हूँ, फीमेल सिंगर किस तरीके से गाती हैं, अगर इजाज़त हो तो। हाँ ज़रूर। हमारे देश की महान सिंगर आशा जी कैसे गाती हैं? जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नसर लौट के फिर आएगी, ये नसर लौट के फिर आएगी। अब इनकी बहन लता, उनका अलग अंदाज। इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, एक दर्द को लेकर जीता है, एक दर्द को लेकर मरता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप क्यों मरना क्या जब प्यार। आपसे सिर्फ हम एक गुजारिश करना चाहेंगे, आप हमें एक बार नाना पाटेकर जी की आवाज प्लीज निकाल के दिखा दीजिए, प्लीज। बिल्कुल निकालूंगा। अरबन कीजिए मंत्री साहब, ये भाषण बहुत हो गई आपकी हमदर्दी, अब मुझको जैसा फांसी की सजा हो गई, जुबान मेरी भाग रही है, लोग कहेंगे मर गया साला बनता था क्रांति भी। ये कलम वाली भाई ये क्या लिखती है, सब फाइलें बेकार है, सब बेकार है। धन्यवाद, आप हमारे इंडिया स्पीक चैनल में आए और आपने हमें अपना इंटरव्यू लेने का बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त करा है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया स्पीक। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इंडिया स्पीक के साथ बने रहिए, क्योंकि इंडिया स्पीक एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को हाईलाइट करता है, आप लोगों को दिखाता है। और यहाँ पर आने का मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है और इंडिया स्पीक को मैं सलाम करता हूँ।